होली एक ऐसा त्यौहार है जो साल में होली दिवाली आया करते हैं, तो होली का भी इतना ही लोगों में क्रेज है जितना दिवाली का। आपस में प्यार, आपस में बधाइयाँ, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, बड़ा उल्लास का उत्सव है। और इससे आपस में प्यार भाईचारा बहुत बढ़ता है। तो मेरी तरफ से पूरे प्रदेश को, आपको, सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला ये साल हमारे सबके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि 31 मार्च आ गया, अब नया साल भी शुरू हो रहा है। तो सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पहले सब लोगों ने कहा है, मोदी जी भी इस हक में है, कोई खिलाफ नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ है कि कुछ आपस में बातचीत चल रही है और मुझे लग रहा है सरकार भी निपटाने के मूड में है और लोग भी ये चाह रहे हैं कि फैसला हो जाए। हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि फैसला हो। किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, उन्होंने खुल के बातें हुई है। पहले जैसे 4 में से 2 बातों पे सहमति बन गई, जब माहौल बनता है, प्यार बढ़ता है, तो फिर अगली बात भी सिरे चढ़ जाती है। आपस में कह रहा हूँ दोनों तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, क्योंकि फैसला ये सेंटर का है। इसमें कोई हरियाणा प्रदेश का, आपके केजरीवाल जी हैं, ममता जी हैं, सरकार के खिलाफ रोज़ हल्ला हंगामा कर रहे हैं। स्टेट तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना जी, सेंटर का है। भिवानी में बाजरा 2200 रुपये क्विंटल खरीदा, भिवानी महेंद्रगढ़ जहाँ हमारे झज्जर में जिस एरिए में होता है, और बाज़ार में सरकार ने 1600 रुपये बेचा। आप राजस्थान में जाके देखो 1300 रुपये बिके। आपका आसाम का, बिहार का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का चावल आके यहाँ बिक रहा है। तो हरियाणा पंजाब में जो फार्मर्स को बढ़िया मिल रहा है, मेरा ये मानना है कि MSP कई बार उन्होंने मंच पे भी, स्टेज पे भी कह दिया कि हम लिख के देने को तैयार हैं, MSP मिले आपको, आपको पराली का मामला मिले, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, फिर बैठ के एक प्लेटफार्म बनता है तो सब बातें, माहौल तैयार हो सकता है। मेरा तो ये कहना है किसान होने के नाते कि आपस में बैठ के फैसला करना चाहिए। बहुत लंबा आंदोलन हो गया, लोग भी चाह रहे हैं, फसल पे जाना चाह रहे हैं, आपस में फैसला होना चाहिए। सरकार माँ बाप होती है, सरकार को भी किसानों की कोई और बात भी ठीक लगे तो उसको भी करके करना चाहिए।